Hard in the motherfucking paint, nigga. Hey friends, welcome to my YouTube channel RMS Studio. आज का हमारा मौजू है पांच ऐसी अमेजिंग वेबसाइट्स जो कि इंटरनेट पर मौजूद हैं और जिन्हें आप लाजमी विजिट करें। और बड़ी बात यह है कि ये तमाम वेबसाइट्स बिल्कुल फ्री हैं, आपको इन पे कोई साइन अप करने की जरूरत नहीं। आप बिल्कुल जस्ट आप वेबसाइट में एंटर हों और उसे जैसे मर्जी चलाएं। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना वेब ब्राउजर ऑन करें और यहां पर गूगल में आपने सर्च करना है डेथ क्लॉक। यहां पर आप सर्च करें डेथ क्लॉक। तो यहां पर गूगल में सर्च करने के बाद यहां सबसे ऊपर एक लिंक शो होगा, आप इसे क्लिक करें और आप फॉरेन वेबसाइट में दाखिल हो जाएंगे। तो जैसे ही आप वेबसाइट में दाखिल होंगे तो इस तरह का कुछ इसका प्रीव्यू शो होगा। तो आपने नीचे आना है, यहां पर आपने सबसे पहले अपना बीएमआई चेक करना है। यहां पर 5 फीट और 11 इंच मेरी हाइट है और मेरा वेट 140 तकरीबन 62 किलो है। तो आपने चेक योर बीएमआई करना है तो 20 आ रहा है। तो इसके बाद आप इसमें जस्ट इस फॉर्म को फिल करना है। दरअसल ये वेबसाइट आपकी मौत का वक्त बताती है, इन्होंने इसलिए बनाई है ताकि ये आपकी मौत का वक्त बता सके। आप इन्हें अपनी जस्ट डेट ऑफ बर्थ देते हैं तो ये आपको डेट ऑफ डेथ देता है, यानी कि मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ यहां पर एंटर करता हूं 28 जून 1998। और आपने बीएमए चेक किया, वो मेरा लेस देन 25 है, इसलिए लेस देन 25 करें। नॉन स्मोकर है तो स्मोकर, ना तो स्मोकर, नॉन स्मोकर है तो नॉन स्मोकर पे क्लिक करें और चेक योर डेथ क्लॉक करें। तो इस तरह आगे एक विंडो ओपन हो जाएगी, यहां पर वो आपको बताएगा आप फ्राइडे अप्रैल 2072 को मर जाएंगे, आपकी जिंदगी में इतने सेकंड रहते हैं। इस तरह ये एक अमेजिंग वेबसाइट है, आप इसे विजिट जरूर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो चौथे नंबर पर जो वेबसाइट है उसका नाम है म्यूजिक मैप। आपने म्यूजिक मैप को जस्ट गूगल में सर्च करना है और सबसे ऊपर एक लिंक शो होगा, इस तरह ये लिंक शो हो रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है तो आप वेबसाइट में एंटर हो जाएंगे। वेबसाइट का कुछ इस तरह का इंटरफेस है या सिर्फ एक पेज शो होता है। आपने यहाँ पे अपने एक फेवरेट सिंगर का नाम लिखना है। ये वेबसाइट दरअसल उन लोगों के लिए जिन्हें सिंगिंग से बहुत ज़्यादा लगाव है। अगर आपको सिंगिंग से बहुत ज़्यादा लगाव है तो आप मुख्तलिफ सिंगर्स के नाम जानना चाहते होंगे, यानी कि नुसरत अली खान साहिब एक क्लासिकल सिंगर्स हैं तो आपको क्लासिकल सिंगर्स की लिस्ट चाहिए, तो आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं लिखता हूँ नुसरत अली खान साहब एक क्लासिकल सिंगर थे, आपने उनका नाम सर्च करना है तो डायरेक्ट आप इस तरह एक वेबसाइट में चले जाएंगे। तो यहाँ पर मुख्तलिफ आर्टिस्ट के नाम आ रहे हैं जो क्लासिकल सिंगर्स हैं, यानी कि गुलाम अली साहब ऑब्वियसली एक क्लासिकल सिंगर थे, जगजीत सिंह, पंकज उदास, किशोर कुमार, नुसरत अली खान, लता मंगेशकर। इस तरह ये वेबसाइट उन लोगों के लिए बहुत अहम है जो कि सिंगिंग से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं और उन्हें मुख्तलिफ सिंगर्स के मतलब जानना है। तो आप यहाँ पे इंग्लिश सिंगर्स के नाम भी दे सकते हैं। तो इस तरह ये वेबसाइट बहुत ही अहम है। तो तीसरे नंबर पर जो वेबसाइट है उसका नाम है यू आर गेटिंग ओल्ड। ये वेबसाइट मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है क्योंकि इसमें इसका कुछ कैलकुलेशन करने का तरीका बहुत अहम है। यहाँ पर आप गूगल में सर्च करें यू आर गेटिंग ओल्ड और उसके बाद पहला लिंक शो होगा, आप उस पर क्लिक करें और आप वेबसाइट में एंटर हो जाएंगे। यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है 28/06/1998 और आपने गो कर देना है। जैसे ही आप गो पे बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा आप 20 साल और 6 दिन के हो चुके हैं, आपने 7311 दिन जिंदगी बूढ़े हैं आप। इसके अलावा आपका बर्थ स्टार कैंसर है और आपका बर्थ स्टोन क्या है, आपने कितनी आपके बर्थडे पे कितनी दफ़ा कैंडल जली, आपने कितनी मरतबा सांस ली, आपने कितनी मरतबा सांस ली और कितनी मरतबा आपका दिल धड़का, और आज जब से आप पैदा हुए हैं तो चांद ने जमीन के गिर्द कितने चक्कर लगा लिए हैं, इसके अलावा जब आप पैदा हुए दुनिया पर कितने आदमी थे, कितने इंसान थे और अब दुनिया पर कितने इंसान हैं। तो इस तरह ये वेबसाइट बड़ी अमेजिंग है। इसके बाद ये ट्रैवल के मुतालिक है, डिस्टेंस के मुतालिक है और इसके अलावा ये हमारे पास के मुतालिक है। आप इस वेबसाइट को विजिट करें और खुद से देखें।
आपको ये अमेजिंग वेबसाइट की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पर जो वेबसाइट है उसका नाम है रेडियो गार्डन। आप रेडियो गार्डन को गूगल में सर्च करें, तो अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपको पाकिस्तान के मुख्तलिफ रेडियो सुनने के लिए आपको एक वेबसाइट की ज़रूरत होगी। अगर आप इंडिया का सुनना चाहते हैं तो एक अलग वेबसाइट की ज़रूरत होगी। लेकिन ये रेडियो गार्डन एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आप किसी भी इलाके का किसी भी वक्त कहीं भी बैठ के रेडियो सुन सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं पाकिस्तान से हूँ तो इस तरह ये वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ पर हमारा प्लैनेट अर्थ शो होगा और यहाँ पर जो मुख्तलिफ ग्रीन डॉट्स नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों के रेडियो स्टेशन हैं, तो आप किसी भी इलाके पे जाके उसके ग्रीन डॉट के ऊपर अपना कर्सर करें तो ये डायरेक्ट ये कर्सर है। आप इसे मुख्तलिफ इलाके में कहीं भी जाकर इसे ग्रीन डॉट के ऊपर अपना कर्सर लाएं तो ये रेडियो शुरू हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं पाकिस्तान के इस रेडियो स्टेशन जो कि फैसलाबाद का रेडियो स्टेशन है उसे चलाता हूँ, तो ये रेडियो स्टेशन शुरू हो जाएगा। फैसलाबाद का टाइम आ रहा है, ये देखें 4:15 फैसलाबाद पाकिस्तान। इसके अलावा आप यहाँ से इंडिया का मुख्तलिफ रेडियो स्टेशन चला सकते हैं अगर इंडिया का चलाना चाहते हैं। इसके अलावा आप नेपाल का चला सकते हैं, किसी भी मुल्क का, दुनिया में जितने मुल्क हैं अगर आपको ये सबस डॉट नज़र आ रहा है उस मुल्क में तो आप उसे आसानी से चला सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम चाहते हैं कि हम यूरोप में से किसी इलाके का रेडियो स्टेशन चलाएं, तो हम यूनाइटेड किंगडम में आते हैं और लंदन का रेडियो स्टेशन चलाना चाह रहे हैं, तो हम लंदन यूनाइटेड किंगडम का रेडियो स्टेशन चलाएंगे। 12:15 हो चुके हैं। और इस तरह ये बहुत बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट है, आप इसे लाजमी विजिट करें। और अगर आपको रेडियो रेडियो सुनना पसंद है तो इधर से आप किसी भी मुल्क का किसी भी वक्त कहीं भी बैठ कर रेडियो सुन सकते हैं। जो पहले नंबर पर वेबसाइट है उसका नाम है 1 लाख स्टार्ट। वन लाख स्टार्स को आप गूगल में जस्ट सर्च करें तो सबसे ऊपर ये एक लिंक शो होगा, आपने इस पे क्लिक करना है। तो इस तरह आप वेबसाइट में एंटर हो जाएंगे। तो वेबसाइट का कुछ प्रीव्यू ऐसा है, ये वेबसाइट उन लोगों के लिए बहुत अहम है जो एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहे हैं या स्पेस साइंस पढ़ रहे हैं। तो ये वेबसाइट बेसिकली स्पेस साइंस के मुतालिक है। आप देखें ये स्पेस है और ये हमारा स्पेस इस तरह नज़र आती है। इसमें आप मुख्तलिफ स्टार्स के मुतालिक जान सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये मुख्तलिफ स्टार्स हैं जो कि शो हो रहे हैं, आप इनके किसी भी एक नाम पर क्लिक करके उस स्टार्स के मुतालिक जान सकते हैं, उसका प्रीव्यू देख सकते हैं वो देखने में कैसा है। मिसाल के तौर पर ये हमारी मिल्की वे है, आप देख रहे हैं ये मुझे मुख्तलिफ प्लैनेट्स हैं जो कि हमारे सूरज के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। मिसाल के तौर पर मार्स, अर्थ, वीनस, मरकरी और यहाँ पर ये सन है, ये सूरज है हमारा हमारा हमारे मिल्की वे का सितारा, वाहि सितारा सन। आप इस पर क्लिक करें तो ये सन के मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। आप विकिपीडिया से डायरेक्ट ये जाके और भी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ। इस वेबसाइट को उन लोगों के लिए बहुत अहम है जो कि मैं जैसा कि पहले बता चुका हूँ एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं। ये मुख्तलिफ बहुत ज़्यादा स्टार्स की रेंज है, आप किसी एक स्टार्स पे क्लिक करें वहाँ पे आप डायरेक्ट ये आपको ले जाएगा और उसका इस तरह इंटरफेस दिखाएगा आपको। ये बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट लाजमी करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में,